जय श्री राधे। अभी मात्र 3 दिन पहले नाम जप महिमा का एक ऐसा दिव्य अनुभव मेरे यजमान के साथ घटित हुआ जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि दतिया में, मध्य प्रदेश दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ के सानिध्य में हमारे एक यजमान आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव और उनके बड़े भ्राता श्री दिनेश श्रीवास्तव, आप दोनों भाइयों ने मिलकर एक बहुत भव्य आयोजन किया जिसका लाइव प्रसारण आपने एक साथ 4 चैनलों पर श्रवण किया, यूट्यूब चैनलों पर, जिसमें साधना गोल्ड, साधना टीवी, ईश्वर टीवी और हमारा अपना नाम उपचार। कार्यक्रम 2 नवंबर से 8 नवंबर तक संपन्न हुआ और 9 नवंबर को हवन, यज्ञाहुति और भंडारे के साथ संपन्न हुआ। और जैसे ही मैं हरिद्वार लौटा अगले दिन 10 तारीख को, तो एक अप्रिय समाचार मुझे उनकी धर्मपत्नी ने सुनाया। जो अनिल श्रीवास्तव जी हैं, उनकी धर्मपत्नी भंडारे के भाग दौड़ करते हुए अचानक उनके एक कान का कुंडल कहीं गिर गया सोने का, और इतना बड़ा यज्ञ उन्होंने किया और यज्ञ के उपरांत यदि सुवर्ण का खोना, हमारे सनातन धर्म में सोने का खोना अथवा पाना कोई शुभ संकेत नहीं माना जाता, ये शुभ शगुन नहीं माना जाता, तो उनके मन में एक बहम हो गया कि आखिर मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई, क्या भूल हुई, इतना सुंदर यज्ञ हुआ और वह यज्ञ बड़ा निर्विघ्न संपन्न हुआ, तो अंत में आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले गुरुजी अब जो हो गया वो तो हो गया, पर मैं सोचती हूँ कि क्या खोया हुआ सामान प्राप्त करने का कोई नाम उपचार आपके पास है। मैंने कहा क्यों नहीं, भगवान नाम में ऐसा क्या नहीं है जो ब्रह्मांड में नहीं हो। संसार में मैं प्राय कहता हूं कि जो कुछ भी असंभव हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो रोग हो, चाहे शोक हो, भय हो, बाधा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, शादी हो, संतान हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि असफलता हो, कोई असंभव कार्य आपको लगे, तो मैं कहता हूं अंतिम परिणति केवल नाम जप है। अंतिम परिणति अस कही लगे जपन हरि नामा, ये रामचरितमानस में भगवान शंकर अपने ऊपर आत्मसात करके हमें सिखाते हैं। भगवान शंकर भी जब माता सती को समझाने में असमर्थ हो गए कि परीक्षा मत लो, तो अंत में देखा कि भाई मेरे पुरुषार्थ से भी बात न बने, समझाने से बात न बने, तो फिर अस कही लगे जपन हरि नामा, फिर हरि नाम का आश्रय लो। अब भगवान राम जी जो चाहे सो करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप नाम जपिए। और हम सब जानते हैं भागवत में भगवान श्री कृष्ण पर एक बार मणि चोरी का आरोप लगा था, समंतक मणि, और उस मणि को प्राप्त करके भगवान लाए, तो उसी नाम से भगवान का एक नाम पड़ गया, समंतक मणि प्राज्ञाय नमः। प्राय अक्सर मैं अपने भागवत में भी कई बार कह चुका हूं, और मेरे जीवन का तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान नाम का प्रचार करना। भगवान नाम से सब कुछ संभव है, समर्थ है। और फिर उद्घोषणा है रामचरित मानस की, जपही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट, हो ही सुखारी। तो जब माता का फोन आया, मैंने कहा कि आप ओम समंतक मणि प्राज्ञाय का अहर निशि जाप करो, देखो ठाकुर जी अपने आप कुछ कृपा करेंगे, और इसके पीछे कोई कारण है तो ठाकुर जी वह कारण भी बताएंगे। अगले दिन उनको 10 तारीख को पास में भगवान राजा रामचंद्र जी ने जहां पर सुंदर राज किया, और ओरछा, ओरछा नरेश के नाम से, ओरछा के राजा राम, तो वहां से लगभग 30-35-40 किलोमीटर दूर ओरछा है, और वो ओरछा गए पति पत्नी, क्योंकि जो निर्माल्य था, जो पूजा का बचा हुआ शेष सामग्री है जिसमें पुष्प हैं, अथवा जो नवग्रह आदि बनाते हैं तो चावल आदि, दाल आदि है, अथवा जो 7 ग्रंथि का बांस होता है उसको किसी प्रवाहित जो बहते हुए नदी में उसको प्रवाहित करना होता है, तो मैंने कहा कि आप जाओ बेतवा नदी में प्रवाहित कर दो, इस बहाने ओरछा नरेश यानी भगवान राजा राम का दर्शन भी हो जाएगा। पति पत्नी गए, और अगले दिन उन्होंने फोन किया, बोले गुरुदेव मैं रात भर उस नाम को जपती रही, और जब मैं ओरछा जा रही थी तो जाते समय पूरे रास्ते 2-3 घंटा और आते समय 2 घंटा मैं जाप करती रही, दिन भर मैंने जाप किया, रात भर जाप किया, और अंततोगत्वा शाम को रात्रि में आकर किसी काम से मैं किसी एक कक्ष में गई और वहां कुछ सामान वामान में रख रही थी, अचानक मैंने देखा वही कुंडल मेरा वहां
पड़ा हुआ था, जबकि उस कमरे में इससे पूर्व मैं गई नहीं थी। आप समझ रहे हैं, यानी उस कमरे में वो उससे पहले कभी गई नहीं जो गिरा हो। बोले मैं तो पहली बार गई वहां, तो फिर मुझे वह कुंडल वहां कैसे मिला। तो देखो, खंबे को तोड़कर यदि प्रहलाद के लिए आ सकते हैं, तो एक मामूली कुंडल यदि वहां ठाकुर जी गिरा दे तो कौन बड़ी बात है। पर अंततगत्वा नाम, जबकि यह दिव्य महिमा और अनुभव उनके साथ हुआ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी दे रहा हूं, आप चाहें तो अनिल जी को फोन करके आप इस घटना को और अधिक उनके मुख से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद मैं आप सबसे भी ये कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में नाम जप को आत्मसात कीजिए, आज ही और अभी। बस देखिए, नाम जप करने में जितनी तत्परता हम दिखाते हैं, जब पता है कि गुरुमुखी सुनना अनिवार्य, एक बार गुरु के मुख से सुन लिया जाए तो फिर उसको ग्रहण करने की जो दक्षिणा है वह कितना साधारण है। केवल 5 माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस महामंत्र को किसी कागज पर, कॉपी पर, रजिस्टर पर, डायरी पर कहीं भी लिखें, और लिखकर आप उसे मुझे भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, जेपीजी फाइल बना के भेज दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तुरंत उस 24 घंटे के भीतर आपको नाम दे दिया जाता है। आप उस नाम को 3 घंटा 35 मिनट कम से कम, अधिक से अधिक चाहे जितना जपें, और तत्काल लाभ लीजिए। चाहे कितना भी असाध्य रोग हो, चाहे कोई भी मनोवांछित कामना हो, चाहे परीक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, आप कोई भी नवीन कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, अथवा अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं, अथवा वर के लिए दुल्हन ढूंढने जा रहे हैं, अथवा संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, ऐसे अनेक जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको कोई कष्ट हो, विपत्ति हो, तो मैं कहता हूं कि मेरे गोवर्धन नाथ हम सबके जीवन के बोझ को उठाने के लिए समर्थ है। क्यों? उन्होंने ब्रजवासियों का 7 कोस का पहाड़ उठाया, तो आपके जीवन के बोझ का भार नहीं उठाएंगे, अवश्य उठाएंगे। तो नाम जप की माला झोली आप भी उठा लीजिए, और इस घटना को सुनकर आप भी नाम के प्रति उत्तरोत्तर अनुरागी बनिए। जय जय श्री राधे।